ट्राइकोडर्मा लगभग एक दर्जन से ज़्यादा बीमारियों को रोकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बीज उपचार करेंगे। अगर हमको पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा मिलता है तो उसका उपचार जो रासायनिक फफूंदनाशक है उससे बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही हल्के फंगस होती है जो कि पानी में डालने पर ऊपर तैर जाती है, और जब पानी में डालने पर ऊपर तैर जाएगी और फिर उसके बाद हम बीज डालेंगे तो बीज नीचे जाएगा और ट्राइकोडर्मा ऊपर तैरता रहेगा, तो वो बीज के संपर्क में नहीं आ पाता। इसीलिए इसकी विधि बिल्कुल उसके उल्टे है जैसे कि हम रासायनिक फफूंदनाशक से करते हैं। तो वो हमको दिखाते हैं कि इसकी कैसे किया जाए। करो डालो, जैसे बीज को पहले हम किसी बर्तन में कर लें, उसमें फिर हम थोड़ा सा पानी डालें, उसके बाद हम बीज को मॉइस्ट कर लेते हैं जिससे कि उसकी सरफेस पे मॉइस्चर आ जाए। फिर उस बीज को हम किसी ट्रे में या पॉलीथीन सीट पर डाल करके ऐसे करके डाल लेंगे और इसके ऊपर फिर हम पाउडर को छिड़क देंगे। ये हम तोल करके डालते हैं इसे, इसकी जो मात्रा है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से रखते हैं। अगर बड़ा बीज है तो आप 5 ग्राम रखें और छोटे साइज का बीज है तो 10 ग्राम रखें। जैसे कि ये सरसों का बीज बहुत कम है, छोटा बीज है, इसमें हम 10 ग्राम के लगभग ट्राइकोडर्मा डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर दो। अब इसे हम मिलाएंगे तो बीज की सतह पर ट्राइकोडर्मा के कोनिडिया और माइसिलियम लग जाएंगे, जिससे कि जब बोएंगे तो उसके साथ ही वो मिट्टी में चले जाएंगे और वहां पर अंकुरित करके पौधे को सुरक्षित करेंगे। इस तरह हम उनके सीड कोटिंग कर लेते हैं। सीड कोटिंग के बाद फिर थोड़ा सा सुखा के और इसकी हम बुवाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे गोबरी खाद को नए ट्राइकोडर्मा को कैसे उपचारित करें कि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए और हम खेत में डालने से पहले उसे तैयार कर लें। तो ये अब आप देख रहे हो कि ये गोबर की खाद का ढेर है जो कि उत्तम गुणवत्ता वाला गोबर है। इसके ऊपर हम ट्राइकोडर्मा पाउडर को इस तरह से डाल देंगे। इसको हम इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद जब पूरा ढेर मिल जाए और पूरा ट्राइकोडर्मा इसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम ढक देते हैं, लेकिन ढकने का तरीका और समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर गर्मियों के दिनों में हम गोबर की खाद मिक्स करके ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जूट की बोरी से उसे ढकेंगे और छायादार जगह पर 15 दिन के लिए छोड़ देंगे, और अगर हम सर्दियों के दिनों में कर रहे हैं तो उसे हम पॉलीथिन की शीट से ढकेंगे, उसे हम इस तरह ढक देंगे। इस तरह से ढक के और यहाँ पर ईंटें लगा देंगे चारों तरफ, और फिर 5 से 7 दिन के अंतराल पर एक टर्निंग दे देंगे इसमें और दोबारा से ढेर बना के फिर से ढक के छोड़ देंगे, और जिस दिन हमें उपयोग में लाना है उस दिन पॉलीथिन हटा के फिर से हम उसे उपयोग कर लेंगे।